तो हे गाइस, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो, वेलकम टू फोकस स्टडीज। और आज मैं हूं साकेत कुमार, और आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हमारे इस चैप्टर का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस टॉपिक का में हम ये पढ़ने वाले हैं कि एरिस्टोक्रेसी और वहाँ के मिडिल क्लास का हाल कैसा था यूरोप में। तो हम उसके बारे में जो पढ़ेंगे, तो पहले हम अपने टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो टॉपिक का हमारा नाम है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो अब हम इसमें टॉपिक से ये समझ रहे हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना है एरिस्टोक्रेसी के बारे में और नए मिडिल क्लास के बारे में, जो मिडिल क्लास अभी आगे बना है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक से तो हमें ये समझ में आ गया, पर अब हम समझेंगे कि वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी कैसी थी। तो इन यूरोप एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट क्लास सोशली एंड पॉलिटिकली। तो यूरोप में जो एरिस्टोक्रेसी थी वो एक डोमिनेंट क्लास थी, मतलब वो डोमिनेंस शो करती थी वहाँ पे सोशली भी और पॉलिटिकली भी, ठीक है। और लेकिन पॉपुलेशन के बेसिस पे जब देखा गया, कि वहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से जब देखा गया, तब वहाँ पे ये माइनॉरिटी में थी, यानी कि पॉलिटिकली तो ये मेजॉरिटी में थी, पावर इसके पास था, डोमिनेंट ये थी, पर ये जो पॉपुलेशन के बेसिस पे आए जब, तब ये माइनॉरिटी ग्रुप थी, ठीक है। और इन ये जो है, ये एक साथ, मतलब एरिस्टोक्रेसी जो थे ना, ज्यादातर एरिस्टोक्रेसी एक साथ बने रहते थे बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ विच कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। मतलब कि देखिए, जैसे अब एक यूरोप पूरा एक कॉन्टिनेंट था, यूरोप तो कोई कंट्री तो था नहीं, जैसे मान लीजिए ये यूरोप है, तो ये यूरोप पूरा एक कॉन्टिनेंट है। मैं बस वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये यूरोप नहीं है ऐसे, तो ठीक है, मान लीजिए ये यूरोप है, यूरोप तो एक कंट्री तो कोई है नहीं। अब यूरोप में अलग अलग एरिस्टोक्रेसी अलग अलग रीजन में होंगे, जैसे मान लीजिए एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, और ये एक रीजन है, ठीक है। हर रीजन में अलग अलग एरिस्टोक्रेसी होगी, ठीक है, जैसे इस रीजन में अलग एरिस्टोक्रेसी, इस रीजन में अलग एरिस्टोक्रेसी, कुछ कुछ रीजन के तो एरिस्टोक्रेसी अलग अलग कल्चर को भी फॉलो करेंगे, पर वो लोग एरिस्टोक्रेसी हैं तो एक साथ बने हुए भी रहेंगे। अब एरिस्टोक्रेसी किस तरह से बंधे हुए रह सकते हैं, तो इसका एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे देखिए, एक एरिस्टोक्रेसी जो है, एक एरिस्टोक्रेट फैमिली एक एरिस्टोक्रेट फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाहेगी। जैसे आज के जमाने से भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा बहुत कमी, अब तो बहुत कमी जगह होता है, बट कुछ कुछ जगह ऐसा होता है ना कि कास्ट के बेसिस पे कुछ लोग मैरिज करते हैं या अपने रिलेशंस आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये जो थे ना, तो एरिस्टोक्रेट्स के साथ फैमिली से रिलेशन बनाते थे, जैसे कि एक एरिस्टोक्रेट दूसरे एरिस्टोक्रेट के साथ मैरिज करता था, ठीक है। तो वे लोग ज़्यादातर मैरिज के पर्पस के चलते जुड़े हुए रहते थे, और अलग अलग पर्पस के चलते जुड़े हुए रहते थे, या फिर वो जो लाइफ जीते थे जिस तरह से, उससे भी वो जुड़े हुए रहते थे। जैसे देखिए, हर एरिस्टोक्रेसी का जीवन जीने का ढंग एक ही होगा, हर एरिस्टोक्रेसी, क्योंकि सारे ज़्यादातर जगह पे वो डोमिनेंट थे यूरोप में, तो वो अपने डोमिनेंट को शो करेंगे, तो उस तरह से भी वो एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि सब एक ही तरह से शो कर रहे हैं, सब डोमिनेंट क्लास में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने क्लास के चलते भी वो यूनाइट हो जाते थे। फिर जैसे इसका मैं एग्जांपल भी देके बताता हूँ। जैसे देखिए, किसी कोई राजा दूसरे राजा के साथ दोस्ती कर लेगा, पर ऐसा बहुत ही कम ही केसेस में आपको देखने मिलेगा कि कोई राजा दूसरे देश के गरीब के साथ दोस्ती करे। तो उसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये एरिस्टोक्रेट जो है वो फ्रेंच बोलते थे वहां पे, ठीक है, फ्रांस में एरिस्टोक्रेट फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। और उसके बाद देयर फैमिली वेयर जनरली कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। अभी जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, तो उसी एग्जांपल को आगे हम पढ़ेंगे कि उनकी फैमिली जो है मैरिज के टाइज से जुड़ी हुई रहती थी, ठीक है, बंधी हुई रहती थी। मेजॉरिटी कंप्राइज पीजेंट्स। अच्छा, तो आगे वाले लाइन पॉइंट को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे हमें माइनॉरिटी का तो पता चल गया कि माइनॉरिटी ग्रुप कौन था, एरिस्टोक्रेसी। अब मेजॉरिटी ग्रुप वहाँ पे कौन से थे, तो प्रेजेंटली वहाँ पे मेजॉरिटी में थे, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
उसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रेजेंटरी ग्रुप भले ही मेजोरिटी में वहाँ पे थे, पर बहुत कुछ पेजेंट्स को तो वहाँ पे बॉन्डेड लेबर के भी तरह काम करवाया जाता था, सिर्फ कुछ ही रीजंस में, जैसे कि वेस्ट में वहाँ पे यूरोप में पेजेंट्स को ताकत थी, मतलब पावर थी कुछ, बाकी ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में जो था पीजेंट्स को पावर नहीं थी, उनके पावर को छीन लिया गया था और उन्हें बॉन्डेड लेबर की तरह काम कराया जाता था। जैसे कि मान लीजिए उन्हें क्या करता था ना कि रेंटल लैंड दे दिया जाता था, अब जब वो उसका लैंड नहीं चुकाते थे तो उन्हें उनके लैंड पे बंधुआ मजदूरी मजदूर की तरह काम करवाया जाता था, बेगार वर्क। अगले चैप्टर में हम बेगार सिस्टम के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे जब हम नेशनल एजमेंट इंडिया चैप्टर को पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो अब हम आएंगे, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लैंड ओन्ड इन डिफरेंट रीजन बाय वेरियस ग्रुप्स। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, लैंड ओन्ड इन डिफरेंट रीजन बाय वेरियस ग्रुप्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्यों है एरिस्टोक्रेसी के साथ, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रुप अगर लैंड ज्यादा ओन करता है ना तो इसे पता चलता है कि हाँ वो ग्रुप पावरफुल है, क्योंकि लैंड का वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा है, समझे। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, तो क्योंकि लैंड का वैल्यू ज्यादा है इसलिए लैंड के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे अलग अलग जगह पे कौन कौन ज्यादा लैंड को ओन करते थे। तो वेस्ट में जो है टिनेंट्स ज्यादा लैंड को ओन करते थे और स्मॉल ओनर्स रहते थे, जैसे कि स्मॉल ओनर्स में रहते थे फार्मर्स, यहाँ पे वही टिनेंट्स फार्मर्स, यहाँ पे ओनर्स नहीं होगा, यहाँ शायद फार्मर्स ही होगा, हाँ वो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, सब इंसान में तो सबसे गलती होती है, पता नहीं आप लोग से शायद नहीं होती होगी, हमसे तो होती है। अब आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न एंड सेंट्रल। अब ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में किसका रास्ता, तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में रास्ता वास्ट ईस्टेट्स का। अब वास्ट ईस्टेट्स का मतलब वहाँ पे जो बड़े बड़े नोबिलिटी क्लासेस थे उनका रास्ता लैंड पे, ज़्यादा लैंड उनके कब्जे में था वहाँ पे ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में, ठीक है। अब आगे जब मतलब इसका ईस्टेट्स का मतलब आपने नाइन्थ क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट में पढ़ा था कि नोबिलिटी क्या होती है, ईस्टेट्स क्या होता है, तो ईस्टेट्स ही बेसिकली नोबिलिटी क्लास में आती है, मतलब ऑटोक्रेटिक क्लास, उसी का ज़्यादा लैंड ओन किया, उसी के द्वारा ज़्यादा लैंड ओन किया जाता था ईस्ट एंड सेंट्रल पार्ट में। अब ये क्यों ओन किए करते थे यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि देखिए ईस्ट और सेंट्रल में ना ऐसे भी एरिस्टोक्रेट्स ज़्यादा थे, अब जब ज़्यादा होंगे तो वही ना ज़्यादा लैंड ओन करेंगे, और यहाँ पे वो डोमिनेंट भी थे जैसे कि हम ऊपर पढ़े, तो इसलिए यहाँ पे वो ज़्यादा लैंड ओन करते थे। अब इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस काउजेस इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप कॉल्ड वर्किंग क्लास। अब देखिए क्या हुआ कि कमर्शियल क्लास इमर्ज हुआ, ये जो कमर्शियल क्लास है जो कि मार्केट बेस्ड क्लास था, असल में मार्केट बेस्ड क्लास मतलब क्या, ये ना मार्केट रिलेटेड काम करता था, सामान का ट्रेडिंग और बाकी चीज़ों से रिलेटेड ये काम करता था। अब ये जो कमर्शियल क्लास है वो इंडस्ट्रियल क्लास के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये इंडस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड था, इसका काम प्रोडक्शन भी था, ट्रेडिंग भी था, सब चीज़ था, वो जो प्रोडक्शन ट्रेडिंग ये सबसे इकोनॉमिकली इकोनॉमिक काम जितना था ना इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड उसमें ज़्यादातर काम में ये पार्ट लेते थे, ठीक है, कमर्शियल क्लासेस। अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब क्योंकि ये क्लास इंडस्ट्री से ज्यादा डायरेक्ट लिंक्ड थे तो इन पे भी प्रभाव पड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद, जैसे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ वैसे कमर्शियल क्लासेस का भी ग्रोथ हुआ, और फिर कमर्शियल क्लास ग्रो होकर बन गई एक नई सोशल ग्रुप जिसको कि कहा जाने लगा वर्किंग क्लास, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, वर्किंग क्लास और द न्यू मिडिल क्लास, आप ये भी नाम इसे बोल सकते हैं द न्यू मिडिल क्लास, पर क्योंकि वर्किंग क्लास कहना ज़्यादा अच्छा है इसलिए आप यही बोलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा सूटेबल भी लगता है इसके साथ, क्योंकि न्यू मिडिल क्लास को आपने टॉपिक में भी ऐसे भी दिया हो तो कुछ एक्स्ट्रा याद कर लिया तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो कमर्शियल क्लास अभी इवॉल्व हो गई। अच्छा, कमर्शियल क्लास के इवॉल्व होने के पीछे सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तब हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं, ऐसे आपने शायद क्लास 8 में पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया था, तो अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा फिर भी जान लेते हैं, क्योंकि 8 क्लास में पढ़ा था, 10th तक आते आते हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हों, तो हम आगे पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब कि इंग्लैंड से शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड हाफ का मतलब 1750 के बाद वाला पीरियड,
में, ठीक है, उस टाइम पे शुरू हुआ था। बट इन फ्रांस, पर फ्रांस में और जर्मन के कुछ, जर्मनी के कुछ स्टेट्स में ये शुरू हुआ था 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो देखिए कितना लेट हो गया था इसको, मतलब मिड और ये सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप तक आने में। तो देखिए कितना ज़्यादा टाइम लग गया था इसे यहाँ तक आने में। अब इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तब हमें मिलता है कि इंडस्ट्रियल क्लास जो है उसके उसका मतलब इंडस्ट्रियल क्लास का ग्रोथ हुआ। अब ग्रोथ हुआ तो क्या हुआ, अब देखिए जब ग्रोथ होगा ना किसी क्लास का तो उसके पास मनी आएगा, मनी आएगा तो मनी आने से क्या हुआ कि वो अब अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे, और ग्रोथ के लिए उन्हें अपने अपने आप को एजुकेट करना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई सोसाइटी का ग्रुप अपने ग्रुप के बारे में और अदर ग्रुप्स के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में अच्छे से जानेगा नहीं, एजुकेट नहीं होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन नहीं करेगा, तब तक वो अपने अपने ग्रुप का ग्रोथ कैसे करवा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने एजुकेशन का रास्ता चुना और अपने आप को अपने अपने आप को अपने बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका पढ़ाया, उन्हें स्कूल्स भेजा। अब क्या हुआ कि उनके बच्चे पढ़े लिखे हो गए, अब वो क्या किए कि नेशनल यूनिटी के आइडिया को समझे और देश को एक करने की कोशिश किए। तब तो अगले पॉइंट में हम वही पढ़ेंगे, द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। अब देखिए जैसे उन्हें समझ में आ गया था कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस के चल, अब क्योंकि उन्होंने एजुकेशन गेन किया तो उन्हें यह समझ में आ गया होगा कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस के चलते उन पर दबाव बढ़ रहा है। अब जब उन पर दबाव बढ़ रहा था तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, अब एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को हमें हटाना होगा। तो अब यह समझ में आ गया था कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो हैं उसके चलते उन्हें ज़्यादा उनके मतलब राइट्स के साथ दुर्भाव हो रहा है, उनके राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। अब जैसे इंडिया में ही, अब जब आप आगे की क्लासेस में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि लोगों की राइट्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, उनकी फंडामेंटल राइट्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है उनके लिए। अब जब उनके एरिस्टोक्रेटिक उन्हें पता चला कि एरिस्टोक्रेसी को कितने ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले हुए हैं तो वे इसके एबोल्यूशन के लिए अलग अलग प्रोटेस्ट करने लगे, अलग अलग मार्चेस निकालने लगे। तो उसके चलते ये एक बहुत ही पॉपुलर वहाँ का आंदोलन बन गया, एक तरह से पॉपुलैरिटी गेन कर लिया वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लिबरल ग्रुप्स के बीच में और एजुकेटेड ग्रुप्स के बीच में। अब आप बोलिए एजुकेटेड ग्रुप्स मतलब हो गया कि वही कमर्शियल क्लासेस जो कि आगे और ज़्यादा इमर्ज हुए और अपने आगे के जेनरेशन को एजुकेट किए और फिर वो एजुकेटेड मिडिल क्लास बन गए। और ये लिबरल मतलब के बारे में हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तब मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। वैसे ऐसे लिबर्टी का मतलब क्या होता है ये आप मुझे अगले वीडियो में या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो ठीक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट अबाउट योर क्वेरीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।